क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा है, इसमें बैटरी बैकअप किस टाइप का मिलता है और इसका कैमरा कैसा है और इसको जो है लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। कंक्लूजन आपको 110% देने वाले हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीवो का T2 Pro को लेके। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा ना, ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, और जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ना तब आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी होगा, और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आता है। बस एक चीज जरूर से याद रखिएगा कि जो Vivo का T2 Pro है ना, इसका जो डायमेंशन है ना, जो चौड़ाई है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर आपका हाथ छोटा है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है एक हाथ से चलाने में, तो आपको दो हाथों का प्रयोग करके स्मार्टफोन को चलाना पड़ेगा। एक हाथ से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये हेवी महसूस कराएगा। बाकी जहां तक बात है वेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन का वेट ज्यादा नहीं, आपको जरा सा भी हेवी फील नहीं कराएगा, और ये जो स्मार्टफोन है ना काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम वाला, यानी कि इसका कमर जो है ना बहुत ही ज्यादा पतला है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्रोफेशनल पोर्ट्रेट करके लिखा गया, यानी कि इसमें आप अच्छे खासा जो है पोर्ट्रेट निकाल पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैमरे वाले पार्ट में हम आपको अभी बताते हैं कि इसका जो पोर्ट्रेट है ना, वो जिस टाइप से यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड का यूज किया गया ना, तो एक्सपेक्टेशन लोगों का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट निकल के रहा है ना कैमरा का, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए। बाकी जहां तक बात है इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया वो बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्प्ले दिया गया, जिसकी जो चौड़ाई भी है बहुत ही ज्यादा है, 6.678 इंचेस का यहाँ पे आपको फुल HD सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया और 1300 का पीक ब्राइटनेस यूज किया गया, यानी कि आपको सनलाइट वगैरह में, यानी कि आउटडोर कंडीशन में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने सनलाइट वगैरह में इसे यूज भी किया था, यानी धूप वगैरह में जाके, तो मुझे इसका जो आउटडोर में विजिबिलिटी है ना उसको लेके कोई भी तरह का इश्यू नहीं आता। जहां तक बात है इसके डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, कलर वगैरह किस टाइप का निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे कलर वगैरह काफी ज्यादा एक्यूरेट है, आपको बहुत ज्यादा पंची कलर तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब वगैरह में आपको जरा सा भी निराश नहीं करेगा, और यूट्यूब में जो है आप HDR भी चला सकते हो। पिछले वीडियो में एक छोटा सा गलती हमसे ये हो गया था कि नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है T2 Pro में, हमने कह दिया था कि नहीं करता है, तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड, छोटी सी गलती थी, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। बाकी वाइड वन L1 का भी सपोर्ट दिया गया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो बेजल्स है ना आप देखिए डिस्प्ले में, वो बहुत ही ज्यादा कम है, चिन तो है ही नहीं, और जो साइड का भी बेजल्स है आप देख सकते हो, कर्व डिस्प्ले होने के कारण जो है इसका जो बेजल्स वगैरह है वो सच में यार बहुत ही ज्यादा कम है, और बेजल्स कम होने के कारण जो है ना, जब आप मल्टीमीडिया पे मूवीज वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो या यूट्यूब वगैरह ओपन करके देखिएगा ना, तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही तगड़ा होने वाला, बस यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस दे देता ना तो ज्यादा बेटर होता, सिंगल ही स्पीकर है जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसका क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है। अब इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो MediaTek का Dimensity 700 वाला प्रोसेसर यूज किया गया, जो कि 4 NM पे बेस है, और इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, और यहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम दिया गया। अभी तक स्मार्टफोन को हमने जितना भी यूज किया, हमने इसमें हमने COD BGMI और एसपेल्ट वगैरह खेला था, तो परफॉर्मेंस में हमको गेमिंग में लेके कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, और सबसे अच्छी जो चीज हमको लगा कि गेमिंग एक्सपीरियंस में हमको कहीं पे भी जो है ज्यादा लैग देखने को नहीं मिला। कभी कभी जो बहुत ज्यादा जब हम गेम खेल रहे थे थोड़ा बहुत जो है वार्म जरूर हो जाता है, वार्म होने का हल्का फुल्का जो है फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ओवर हीटिंग के बारे में, ज्यादा गेम खेलने से ओवर हीट हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो वहां पे आपको शिकायत नहीं मिलेगा, हीटिंग को लेके इसमें दिक्कत नहीं हुआ। ओवरऑल जो गेमिंग का एक्सपीरियंस था वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी देर खेलने के बावजूद भी मोबाइल हीट नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें जो है हमने ये स्मार्टफोन में यूज करते दौरान जो है नोटिस किया, जब भी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्स या फिर गेम्स या फिर कैलकुलेटर या फिर यूट्यूब वगैरह कुछ भी खोलता हूँ तो बहुत ही ज्यादा लेट में खुलता है। ये देखिए मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कम से कम 2 सेकंड का टाइम लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जीमेल खोलते हैं तो जीमेल को भी जो है खुलने में यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता, तो बहुत सारे एप्स को लोड करने में ये कम से कम 2 सेकंड का तो टाइम लेता और 2 से ज्यादा भी कभी कभी लग जाता। और इसका जो UI है फनटच वाला, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पे, और इसमें आपको 2 साल का जो है एंड्रॉइड का अपडेट भी मिल जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर में जो एक मजा आना चाहिए 25,000 का मोबाइल को चलाने में, जो एक्सपीरियंस होता है ना UI को लेके, वो मुझे उतना ज्यादा इसमें स्मूद नहीं लगा, और इसमें बहुत ही ज्यादा लोटवेयर वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हॉट गेम्स दिया गया है, हॉट एप्स दिया गया है, और भी पता नहीं बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका काम का भी नहीं और बहुतों का आप हटा भी सकते हो, और सैडली पार्ट ये है कि बहुतों का आप हटा भी नहीं सकते। तो इसके UI में ना, यानी कि जो फन टच वाला UI है ना, इसलिए हमको पसंद नहीं आता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता और उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज भी नहीं है। तो बेसिकली हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि नो डाउट इसका परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के दौरान अच्छा मिल जाएगा, लेकिन डे टू डे वाला काम धंधा जैसे करते हो, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब खोलना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करना, डे टू डे वाला जो भी काम धंधा होता है ना, उसमें आप
आपको जो एक्सपीरियंस होता है ना कि बहुत ज्यादा फास्ट मिल रहा है, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जब आप इसको चलाइएगा ना तब आपको समझ में आएगा। फन टच ओएस का यही चीज हमको पसंद आता। फीचर्स वगैरह तो आपको इसमें देखने को बहुत सारे मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो, अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया गया है, स्प्लिट स्क्रीन है, स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे जो है आपको फीचर्स जो है फन टच में मिल जाता है। लेकिन जो एक ऑप्टिमाइजेशन होता है ना मोबाइल को चलाने का, जो मजा मिलता है वो हमको इसमें नहीं मिल पाया। ठीक है, जो चीजें हैं यार वो चीजें मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। डिसीजन लेना आपकी मर्जी है। बाकी जिनको नंबर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, यानी कि अंततः स्कोरिंग इंजन को जानना होता है, उनके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट भी कर रखा था, तो 7,13,000 का समथिंग जो है यहाँ पे स्कोरिंग निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। लेकिन हमेशा हम आपको यही कहते हैं कि भाई सिर्फ स्कोरिंग अगर आपको अच्छा मिल जाए और जब आप स्मार्टफोन को यूज कीजिए और आपको वो स्मूथनेस, वो एक मजा ना मिले, वो फील ना मिले, तो भाई फिर कितना भी स्कोरिंग दिखा दो फिर मजा नहीं आता। तो स्कोरिंग तो है अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस होना चाहिए स्मार्टफोन में पूरा का पूरा यूआई को लेके, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं। तो अगर आपको ब्लोटवेयर से दिक्कत नहीं है, फन टच ओएस अगर आपने चला रखा है तो मे बी आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपने क्लीन एंड्रॉइड अगर आपने चला रखा है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, तब मेरे हिसाब से आपको इसमें जरूर से दिक्कत होगा। आगे जहां तक बात है बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे बेशक आपको यहाँ पे बैटरी सुनने में और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कम लेगा। 4600 mAh की बैटरी दी गई, 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे 4nm वाला चिपसेट है, जिसके कारण जो है पावर काफी ज्यादा कम कंज्यूम करता है। तो 4600 mAh होने के बावजूद भी बैटरी को लेके हमको इसमें कोई भी तरह का शिकायत नहीं है, बैटरी इसमें अच्छा मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन को चार्ज करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसका अगर डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बैटरी ड्रेन टेस्ट भी बना दूं दिन भर यूज करते हुए, जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बना के दे देंगे। बाकी जहां तक बात है बैटरी के बारे में, तो बैटरी को लेकर यार टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया, ड्यूल 5G बैंड दिया गया, यानी कि दोनों ही सिम 5G को सपोर्ट करता है और कोई भी तरह का आप SD कार्ड नहीं लगा सकते, यानी कि हाइब्रिड वाला स्लॉट इसमें नहीं दिया गया, बस सिम ही लगा सकते और दोनों ही सिम नैनो जाएगा। और इसमें आपको वाईफाई 6 मिल जाएगा। और जहां तक बात है 5G बैंड्स के बारे में, तो 10 5G बैंड्स दिए गए हैं। जहां तक बात है कॉलिंग वगैरह को लेकर, नेटवर्क इशू को लेकर या फिर वाईफाई हमने जितना देर भी इसमें चलाया, तो स्पीड आपको डिसेंट मिल जाएगा और कॉलिंग वगैरह में कॉल ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, जिस चीज को लेकर वीवो बहुत ही ज्यादा प्रचार करता है और कहीं ना कहीं लोग जो है वीवो का स्मार्टफोन खरीदते हैं वो इसी पर्पस से खरीदते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैमरे के बारे में। इसमें जो कैमरा दिया गया है वो 64 मेगापिक्सल का जो है OIS वाला कैमरा दिया गया है, यानी कि वीडियो वगैरह आपको स्टेबल मिल जाएगा। और ये जो दूसरा सेंसर दिया गया वो डेप्थ के लिए दिया गया, 16 मेगापिक्सल के यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया है। और ऊपर की तरफ जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा गया, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बहुत ज्यादा जो है पोर्ट्रेट जो है हर एक कंडीशन में हर एक एंगल से यहाँ पे फोटो लेने की कोशिश की थी। और पोर्ट्रेट में जो शॉकिंग रिजल्ट हमको देखने को मिला ना, जिसके बारे में कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन हम जरूर बात करेंगे, क्या कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वीवो को लेके वो भाई इसका कैमरा मस्त होना चाहिए। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट के सैंपल आ रहे होंगे, आप खुद देखिए कि आपको कितना ज्यादा अच्छा लग रहा, कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। हमको जो चीज अच्छा नहीं लगा इसके पोर्ट्रेट में वो है एज डिटेक्शन, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि भैया वीवो के स्मार्टफोन से लिए। इवन जो है वीवो का V25 जब लॉन्च हुआ था उस फोन में पोर्ट्रेट वगैरह बहुत ही अच्छा आता था और जो एज डिटेक्शन होता था ना वो नेचुरल लगता था। इवन तो यहाँ पे ब्लर मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग दिया गया कि आप ब्लर को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, कितना ज्यादा वीक करना चाहते हो, इसको भी कम करके ज्यादा करके हर एक तरीके से हमने जो यहाँ पे पोर्ट्रेट लिया था। लेकिन एक रिजल्ट जो हम इससे उम्मीद कर रहे थे उस टाइप का पोर्ट्रेट नहीं है। अभी से हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते, अगर यहाँ पे जो है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट अगर नहीं लिखता ना तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखने के बावजूद भी एज डिटेक्शन आप खुद देख सकते हो कि कितना खराब कर रहा, बाल के पास देखिए कितना खराब करती है, चश्मा को पूरा गायब कर दिया है, अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब फोटो खींच के जब आप देखते हो ना तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। बाकी जहां तक बात है डायनेमिक रेंज के बारे में, कलर वगैरह के बारे में, डिटेलिंग के बारे में, तो उस केस में आपको ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, डायनेमिक रेंज अच्छा है। और जो कलर वगैरह भी निकल के आ रहा है फोटो वगैरह में वो उतना ज्यादा ओवर सैचुरेटेड वाला नहीं है, यानी कि नेचुरल टाइप का इसमें कलर आपको देखने को मिलता है। इसका जो ऑटो फोकस है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, ऑटो फोकस बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जहां तक बात है ये स्मार्ट ऑरा लाइट के बारे में ना मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक फ्लैश लाइट है जिसका एक नाम दे दिया, जिसके नाम पे जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, इससे कोई भी फायदा नहीं। लेकिन जब आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो ना तो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, नॉर्मल फ्लैश लाइट की तरह ही काम करता है। तो इस स्मार्ट ऑरा लाइट को लेकर ज्यादा फुदकिएगा नहीं, समझ रहे ना, बहुत लोग फुदक रहा है। जहां तक बात है सेल्फी कैमरे के बारे में, सैंपल आपके सामने चल रहा है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल में कैमरा टेस्ट भी हम बना के दे दें, जो कि हमको नहीं लगता कि आपको इसका कैमरा का जरूरत पड़ेगा, कि एक 64 मेगापिक्सल का हम क्या ही टेस्ट करें, अल्ट्रा वाइड वगैरह होता है ना थोड़ा सा मजा भी आता टेस्ट करने में। बाकी जनता जनार्दन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो एक बना के दे दूंगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं वीडियोस के बारे में भी। देखिए फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो शूट वगैरह करते हो तो आपको डिसेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप 24
प्रोसेसर के हिसाब से अगर इसके फ्रंट कैमरा को थोड़ा सा भी जज करना चाहेंगे ना, तो इसका कैमरा आपको वीडियोग्राफी में भी पसंद नहीं आने वाला, ये चीज जरूर से याद रखिएगा। बाकी जहां तक बात है रियर कैमरे से, अगर आप वीडियो वगैरह शूट करते हो तो यहाँ पे आपको 4K 30fps तक का ऑप्शन दिया गया, फ्रंट में 1080p 30fps का ऑप्शन दिया गया। लेकिन जहां तक बात है वीडियो स्टेबिलिटी के बारे में, 1080p 30fps पे आपको स्टेबल फुटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप 4K पे स्विच करते हो या फिर 60fps पे स्विच करते हो 1080p में, तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे खुद जजमेंट लीजिए कि आपको ये फुटेज कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, सीधी बात नो बकवास की, 24,000 के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा है। देखिए अगर आप कैमरा को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना कि 24,000 में आपको बहुत ही बेहतरीन कैमरा मिल जाएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा निराश होगा, और खास करके पोर्ट्रेट में, क्या यहाँ पे लिख दिया पोर्ट्रेट और हर जगह पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट करके प्रचार कर रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट में उतना अच्छा फोटोज वगैरह नहीं आता, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बाकी अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो बेशक जो इसका प्रोसेसर है ना वो कैपेबल है, उस केस में वो आपको काम करके दे देगा। लेकिन कैमरे के हिसाब से अगर आप इसको लेना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से इससे और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको 24 से 25,000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन मिल जाएगा। ओवरऑल आपको ये देखना है कि आपका यूज क्या है, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप स्मार्टफोन लीजिएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कैमरा इसका और भी अच्छा हो सकता था, क्योंकि वीवो से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि लोग डिजाइन और कैमरे में ही काम करते, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, लेकिन डिजाइन और कैमरे में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन इस बार का डिजाइन तो बहुत ही अपरंपार है, लेकिन कैमरा उस तरह का मतलब मजा टाइप नहीं आ रहा। जो चीज हमको लगा ना, वो चीज हम आपके सामने एकदम फ्रेंकली तरीके से बता दिए। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं यार इसको कैमरे को लेके एकदम ऐसे से बता रहा कि भाई बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि 24,000 के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर ही नहीं दिया गया, मात्र एक सेंसर दिया गया जो कि 64 मेगापिक्सल का, और जिसकी जो क्वालिटी भी है ना वो भी उतनी अच्छी नहीं है जिस प्राइस में ये आपको मिल रहा है। तो इसका प्राइस कम होने का वेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको ये स्मार्टफोन जो है 20,000 या 21,000 या 22,000 तक भी मिले, तब आप इसको ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए।